क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंजुगेटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। एनरोलमेंट मीन्स एडमिशन। 6 ईयर में, कंजुगेटिव मीन्स लगातार, 6 ईयर में कितने एडमिशन लिए बच्चों ने? फर्स्ट ईयर में इतने लिए, सेकंड में इतने, एंड देन 6 ईयर में 2,800 to 20। मीन फाइंड आउट करना है। मीन का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। इसमें ईयर्स हैं इसलिए हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स इक्वल टू एन। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो डेटा गिवन है हम टोटल इनका सम कर देंगे। 1555 प्लस में 1670 प्लस 1750 प्लस में 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स। 1 2 3 4 5 6, 6 से हम डिवाइड कर देंगे। मीन इक्वल टू इनका टोटल सम आ गया है 1 2 3 4 8, 12,348 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 0 6 5 जा 30, 6 8 जा 48। दिस इज द मीन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल मेजरमेंट इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये जो डेटा है ये 7 डेज का रेनफॉल का डाटा है। हमें इसके अकॉर्डिंग ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन बो डेटा। जो ये डेटा है इसमें से हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज इक्वल टू, रेंज का क्या फार्मूला होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20.5। माइनस में लोवेस्ट वैल्यू 0.0। रेंज इक्वल टू क्या गई? 20.5 mm आंसर। सेकंड में क्या पूछा है? फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। इस जो 7 डेज का है हमें मीन फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में मीन फाइंड आउट करना है। मीन का क्या फार्मूला होता है? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे डेज हैं इसलिए हम डेज लिख देंगे। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हम जो भी ये डेटा गिवन है इन सभी का सम कर देंगे। क्या है ये? 0.0 प्लस 12.2 प्लस में 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस में 5.5 प्लस में 1.0 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ द डेज 7। 1 2 3 4 5 6 7 डेज। मीन इक्वल टू जब हम इनका ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 41.3 डिवाइड में 7। 7 को इसे कैंसिल करेंगे। 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 6 रिमाइंडर 63, 7 9 जा 63। मीन हमारा आ गया मीन इक्वल टू 5.9 आंसर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ऑन हाउ मैनी डेज, कितने डेज वॉज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। जो हमारी मीन रेनफॉल आई है 5.9, इससे कम कितने डेज में रेनफॉल हुई? 1 हमारी है 5.9, 2 3 4
फाइव डेज। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वॉज मेजर इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर एज फॉलो। ये जो डेटा गिवन है ये 10 गर्ल्स की हाइट का मेजरमेंट है। हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। हमें जो डेटा गिवन है इसमें टॉलेस्ट गर्ल की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है? 151, 151 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। हमें शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे कम किसकी है? कितनी है? 128, 128 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। जो डेटा गिवन है हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? 151 माइनस लोएस्ट वैल्यू 128। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। आंसर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। हमें इसमें मीन फाइंड आउट करनी है। मीन का क्या फार्मूला होता है? मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो डेटा गिवन है हम इसमें टोटल इनका सम कर देंगे। ये जो हाइट का डेटा गिवन है 135, 135 प्लस में 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस में 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस में 149 प्लस 143 141 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कितनी गर्ल्स हैं? 10 गर्ल्स हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे। मीन इक्वल टू जब हम इनका सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1414 डिवाइड में 10। हमें इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जितने नीचे जीरो होती हैं उतने के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। नीचे 10 तो 1 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। 141.4 सेंटीमीटर, ये हमारा मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। जो हमारी मीन हाइट हमने फाइंड आउट की है इससे ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है? 141.4। हमें कम नहीं ज़्यादा बताना है, मोर देन मीन हाइट्स। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव गर्ल्स। आंसर